हेलो एवरीवन, वी हैव क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 टू ई टू द पावर ऑफ 37 पाई साइन पाई एल एन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स इज। हम यहाँ पे क्या इसको इंटीग्रेट करना है। सो पहले हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू ई टू द पावर ऑफ 37 ई टू 37 और यहाँ पे क्या लिखा है पाई साइन एल एन पाई एक्स लिखा है, तो इसको क्या लिखते हैं यहाँ से हम साइन ऑफ पाई एल एन एक्स इंटू पाई डी एक्स अपान में क्या एक्स राइट डाउन करते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें यही वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। सो तो पहले हम क्या करते हैं कि लेट पाई एल एन एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन अपान एक्स हो जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा पाई वाई हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या डी वाई अपान में क्या डी एक्स आ जाएगा। तो हमें यहाँ से डी वाई की क्या वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, डी वाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या पाई डी एक्स अपान में क्या यहाँ से एक्स आ जाएगा। और जब हम यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे तो हमें वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी, वाई इक्वल टू हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और जब एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ई टू द पावर ऑफ क्या 37 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 37 में क्या पाई आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है इसमें ई टू द पावर ऑफ पाई इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो पावर हट जाएगी 37, फिर एल एन ई बचेगा, एल एन ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे पाई क्या हो जाएगा 37 पाई हो जाएगा। अब जब यहाँ से उसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 0 टू 37 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगी हो जाएगा क्या साइन बाई हो जाएगा इंटू में क्या डी वाई आ जाएगा। और साइन बाई का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ से माइनस में क्या कॉस बाई हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी क्या 0 टू 37 पाई। तो जब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा माइनस में क्या कॉस ऑफ क्या 37 पाई हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा माइनस साइन आएगा लोअर लिमिट में। अभी हमने क्या कि अपर लिमिट अप्लाई किया माइनस लोअर लिमिट, माइनस इस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस जीरो हो जाएगा। और हमें 37 पाई मतलब कि हम यहाँ अगर देखेंगे कि क्या होगा 2 पाई होगा, यहाँ तक क्या 36 पाई हो जाएगा, 36 प्लस में 1 यहाँ करेंगे क्या 37 हो गया, मतलब हम कहाँ पे आ रहे हैं इस तरह पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस नेगेटिव होता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन आ जाएगी, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से वन प्लस में वन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से ये टू के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से ये फाइनल क्या हो जाएगा यहाँ से टू हो जाएगा।